हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं पूना पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, जो टीजीटी पीजीटी और जो हमारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण और टीजीटी पीजीटी में प्रॉपर ये महत्वपूर्ण है। इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर रखा रहता है। अब अलग अलग स्टेट का सिलेबस है, अपने सिलेबस में देख लीजिएगा क्या पॉइजनस स्नैक्स है सिलेबस में, या लिजार्ड है, या फिर आपसे रेप्टाइल्स है। तो रेप्टाइल्स अगर दिया है तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अपने सिलेबस देखकर आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप और कोई तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी विषय का एग्जाम देना, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट में देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, द वीनम ऑफ कोबरा, कोबरा का वीनम कैसा होता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन से। तो कोबरा का वीनम जो होता है वो कैसा होता है, तो वीनम जो कोबरा का होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिन। क्या होता है न्यूरोटॉक्सिन? न्यूरोटॉक्सिन हमने आपको बताया था कि वो वेनम या वो पॉइजन्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को फेल कर देता है जिससे मृत्यु हो जाती है, तो उसे न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैगेंट्रा एंड जाइगोस्पिन्स आर फाउंड इन द वर्टिब्रा ऑफ, तो ये स्नैक्स में पाए जाते हैं। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए यूपी पीएससी में भी पूछे गए और शायद ये पीजीटी में भी आया गया क्वेश्चन है। जैगेंट्रा और जाइगोस्पिन्स आर फाउंड इन द वर्टिब्रा ऑफ, किसकी वर्टिब्रा में दिखाई देते हैं, तो किसमें दिखाई देते हैं, जाइगेंट्रा और जाइगोस्पिन्स स्नैक्स के वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। ये दो पतले प्रकार की पट्टी जैसी संरचना होती है जो मूवमेंट में सहायता करती है। वाइपर वीनम कैसा होता है, तो वाइपर का जो वीनम होता है वो हीमोटॉक्सिन होता है। कैसा होता है? हीमोटॉक्सिन। तो वाइपर का जो, देखिए दो ही मुख्य है, एक वाइपर का अक्सर पूछते हैं और एक आपसे कोबरा का पूछते हैं। तो कोबरा को याद रखेगा ही न्यूरोटॉक्सिन होता है, और ऐसे याद रख सकते हो कोबरा क्या होता है, जहरीला होता है, बहुत तेज होता है, तुरंत छूने से फुंकार मारता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नर्व्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, मतलब नर्व्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। वाइपर का जो विष होता है वो हीमोटॉक्सिन्स होता है, ये क्या करता है कि जो हमारे ब्लड कार्पस्कल्स हैं उनको लाइटिक कर देता है, नष्ट कर देता है, और रक्तस्राव होता है, सूजन आ जाती है और हमारा हार्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a South Indian pitless wiper? इनमें से South India का pitless wiper कौन सा है, तो बताइएगा इसमें South India का जो pitless wiper है वो कौन सा है। तो वो ऑप्शन सही है बी, एकिस कारिनेटिया वाइपेरा रसलाई, सबसे बड़ा भारतीय गर्तहीन सर्फ है जो लगभग 4 फीट होता है, ये लंबा होता है। दूसरे दक्षिण भारत में गर्तहीन वाइपर्स पाए जाते हैं, पिटलेस वाइपर पाए जाते हैं। तो नाम देखना, ये देखे दो होते हैं, एक होता है वाइपर रसलाई, तो ये क्या करता है, गर्त वाला होता है, सबसे बड़ा भारतीय गर्तहीन सर्फ होता है जो लगभग 4 फीट लंबा होता है, तथा दूसरे दक्षिण भारत में गर्तहीन वाइपर्स एक पिटलेस वाइपर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एकिस कर्नेटिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए नाजा तो न्यूरोटॉक्सिन हो गया, और बंगेरस और दिया है कॉटेलस, तो ये ऑप्शन इसमें सही नहीं था। सही सुलोमेत है, न्यूरोटॉक्सिन नाजा, कोबरा, कॉटलस और बागरस होते हैं, हीमोटॉक्सिन वाइपर और एनेस्टिडोन होते हैं, जो बागरस जिसे कैरात बोलते हैं, देखिए यहाँ करैत बोलते हैं, बगारस को करैत बोलते हैं, बगारस सर्प को कौड़िया या चितकौड़िया सर्प कहते हैं, ध्यान रखना। इनके विषदंत कुछ छोटे होते हैं, फिर भी ये सबसे अधिक कोबरा से 4 गुना अधिक विषैले होते हैं, पूंछ की अधर सलकें बीच में बटी नहीं होती हैं, मध्य पृष्ठ रेखा पर बड़ी खटकोण सलकों की लंबी पंक्ति होती है, मादाएं जो होती हैं वो कैसे होती हैं, ओविपेरस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज नॉट पॉइजनस, इसमें से कौन सा स्नैक पॉइजनस नहीं है, तो पाइथन, हमने कहा था पाइथन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। और कौन सा नहीं, पाइथन और जेमेनिस और
एरिक्स, ये तीन सर्पहीन दंश सर्प हैं, तीन पाइथन, जेमेनिस और एरिक्स जिसे दुमुही बोलते हैं, आदिवासीन सर्प हैं, जबकि नाजा या कोबरा, वाइपर, कैरात और जो समुद्री सर्प होते हैं वो विषैले होते हैं। पॉइजनस फैंग्स ऑफ द स्नैक्स आर, तो वो मैगजलरी होती है, क्या होता है मैगजलरी टीथ होता है, टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आए हैं क्वेश्चन, आप ये नहीं कह सकते कि सब आप इधर उधर की बात पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो ये वाले क्वेश्चन हैं ये रिपीट भी होते हैं। रीजंस ऑफ द डेथ ऑफ द पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट, तो वो क्या होता है, लाल रुद्राणुओं का विनाश होता है, अभी हमने आपको बताया था। और क्या होता है इन इन एक्टिवेशन ऑफ नहा सर सॉरी कोबरा भी हमने आपको बताया था, न्यूरोटॉक्सिन्स होता है तो नर्व्स पे असर करेगा, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है। और वाइपर जो होता है वो हीमोटॉक्सिन्स होता है। तो कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण होता है। कोबरा अफ्रीका एशिया के देशों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैक्स आर सेंसिटिव टू, स्नैक्स किसके प्रति सेंसिटिव होता है, नॉइज मेड बाय द बर्ड्स, अर्थ बोर्न वाइब्रेशंस, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन, तो यही सही होगा, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन, क्योंकि ये अपनी त्वचा के द्वारा ही उसको महसूस करता है, सांप भूमि द्वारा उत्पन्न, ये देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, आप देखिएगा यहाँ कुछ भी फर्जी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन हैं, आप उनको देखिएगा, और आप ये भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस पूछने का अंदाज अलग अलग है, कहीं कुछ पूछ देता है कहीं कुछ पूछ देता है। तो यहाँ अर्थबॉर्न वाइब्रेशन, सांप भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है, सांप का शरीर बेलनाकार और लेगलेस होता है, सिर छोटा गोल, नेत्र बाय, नसार द्वार, मुख द्वार, परंतु कर्ण डार्ट और कर्ण पटह अर्थात टेम्पोनिक कलाएं या मध्य कर्ण अनुपस्थित होता है। सांप सुन नहीं सकता, इसलिए सांप बीन बजाने से, इसकी ध्वनि से नहीं वरन बीन जो जोगी लोग होते हैं घुमाते हैं तो उसकी वजह से ये झूमता है। सांप का अध्ययन जो करते हैं हम ओफियोलॉजी में करते हैं, कहाँ करते हैं ओफियोलॉजी, तो पूछ सकता है स्नैक्स की स्टडी कहाँ करते हैं, तो ओफियोलॉजी में करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पॉइजनस स्नैक्स फैंग्स आर अटैच टू, पॉइजनस जो फैंग्स होती है वो किससे अटैच रहती है, तो बताइएगा, तो वो होता है मैगजिला, क्या विसैलस और विषदंत मैगजिला से जुड़े रहते हैं। फ्रेश वाटर स्नैक्स आर जनरली, तो कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, जो फ्रेश वाटर में होता है यानी जो स्वच्छ जल यानी नालियों में नहरों आदि में पाए जाते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर विषैले होते हैं, केवल अमेरिका के स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प विषैले होते हैं। देखिए यहाँ एक और बात उठी, पूछ दे अमेरिका के स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प कैसे होते हैं, तो पता लगा आप नॉन पॉइजन लगा दो, वहाँ पॉइजनस लगाना है, अगर यहाँ अपने यहाँ की बात कर रहा है या ना कहीं दिया हो तो फिर नॉन पॉइजनस होते हैं। ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके, देख लीजिएगा। विच इज नॉन पॉइजनस, इनमें से कौन विषाक्त जीव नहीं है, तो वो है पाइथन जो अभी आपको बताया था, हाइड्रोफिस और कैरात और पिटवाइपर पॉइजनस है, 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांप के कपाल सिर पर सहेक मसूर तथा नेत्र के मध्य लोरियल पिट मौजूद है तो ऐसा सर्प क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वाइपर। इन स्नैक्स इट इज द हेड स्केल्स आर द लार्ज शील्ड विथ ए लोरियल पिट बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड द आईज, वो तीसरा होता है, तीसरा वाला होता है तो उसे वाइपर। यदि सर्प के सिर पर छोटी समान सलकें पाई जाती हैं तो ये वाइपर श्रेणी का विषैला सर्प हो सकता है। वाइपर के सिर पर गड्ढे वाली पिट वाइपर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसे वाइपर हिमालय में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा विषकारी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पॉइजनस, तो अभी आपको बताया था पाइथन, ये दिल्ली डीएसएसबी का जो पीजीटी बायोलॉजी 2015 हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आए, तो देख लीजिए डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आ रहा है, पीजीटी में भी आ रहा है, आपके सामने सारे क्वेश्चन है। पॉइजनस फैंग्स आप स्नैक्स आर, तो मैक्सिलरी टीथ होता है, देखिए क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया है, ये क्वेश्चन 10 बार आया है। नेक्स्ट है, फैंग्स ऑफ पॉइजनस स्नैक आर मॉडिफाइड, तो ये मैगजिलरी टीथ के द्वारा होते हैं, ये GIC बायोलॉजी का जो एग्जामिनेशन होता 15/9/2015 को हुआ था उसका क्वेश्चन है।
तो ध्यान रखिएगा। और जो विष ग्रंथि होती है वो सलाइवरी ग्लैंड की रूपांतरण होती है। तो ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक आज से होता है खत्म। अब हम आप कल से बात करेंगे एनिमल सेल की। एनिमल सेल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स की पहले हम बात करने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और एनिमल सेल्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि पॉइजनस नॉन पॉइजनस का सेकेंड पार्ट होता है खत्म। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।